अभी होली आ रही, कुछ दिनों के बाद होली है, मेरा ख्याल है 17 को होली जलेगी, 18-19 होली खेली जाएगी। होली है, हम लोग जिस माशरे में रहते, कॉमन माशरा है। पैगंबर की दास्तान हम लोग पढ़ते कि पैगंबर जाते थे, वो बुढ़िया रोज़ाना कूड़ा डालती थी, अच्छा वो बीमार पड़ गई, नबी गए उसकी अहवाल कुर्सी के लिए गए। हम उसी रहमतुल्लिल आलमीन को मानते हैं, और इसके बावजूद उस दिन निकलेंगे ज़रूर, अगर कलर पड़ जाएगा तो लड़ने पर भी तैयार रहेंगे। अरे भाई, जब किसी का फेस्टिवल चल रहा है तो निकलने की ज़रूरत ही क्या है, उस जगह से जाने की ज़रूरत क्या है। और अगर रंग पड़ भी गया ना, तो धोखे से रंग पड़ पे लड़ने वालों, रहमतुल्लिल आलमीन के ऊपर जानबूझ के कूड़ा फेंका जाता था, लेकिन लड़े नहीं। अपने किरदार को तो बनाओ, मुसलमान कहते हो रहबरे इस्लाम को फॉलो तो करो, मुसलमान कहते हो इस्लाम के लीडर को फॉलो तो करो, पहचानो तो। वो रहमतुल्लिल आलमीन था, उसी नबी के पास, उस नबी ने इस्लाम के जो पैगाम दिए, एक पैगाम, आज 13 तारीख है और सख्त जुमला है, आज मजलिसें बहुत हैं, जानते वजह क्या है, वजह क्या है, इसलिए कि औरतों की बनाई हुई एक तारीख है अरफा, जिसका इस्लाम में कोई मकाम नहीं है, इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है। मैं बहुत ढूंढता रहा कहीं से किसी छोटे मोटे किस्सा खानी ही में दिख जाए, वो भी ना दिखा, किसी जगह पे नजर आ जाए कहीं नहीं दिखा। देखें ईसा अलैहि सवाब किसी दिन भी करें बेहतर है, आप 13 को करें, 14 को करें, 15 किसी दिन भी करें बेहतर है, लेकिन अगर ये कह के करो कि इस दिन ना करेंगे तो आत्माएं भटकेंगी, पूरे एक साल भटकती रहेंगी। जिसको हुसैन का सहारा हो वो आत्माएं भटकती नहीं है, जिसको मौला का सहारा हो वो रूहें भटकती नहीं हैं। हमारा तो अकीदा है कि पहले ही दिन वो ज्यारत कराने आते हैं, और जिनके लिए मासूमीन ज्यारत करने आ जाएं, फिर उन्हें गुमराह नहीं होने देते, भटकने नहीं देते। अरफा बस एक है, नौ जिलहिज, उसके अलावा कोई अरफा नहीं। आपको किसी दिन भी करना है करो, लेकिन शरीयत में जहाँ दाखिल करोगे ये हराम के मरहले पर आ जाएगा। मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, अभी काफ़ी दिन हो गए, 41वें दिन चेहलूम कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जानबूझ के नहीं किया कि 13 को तो नहीं करूँगा 13। और यकीन है कि जो लोग समझते हैं रूहें भटकेंगी, इंशाल्लाह मेरे वालिद, और जिन लोगों ने भी इस सुन्नत को तोड़ने की कोशिश की है, उनकी रूहें बहुत मुतमईन होंगी, बड़े इत्मीनान में रहेंगी। इसलिए कि ये सुन्नतें तो जो बना दी गई हैं शरिया से मंसूब कर दी गई, इसे तोड़, 13 से कहीं बेहतर है। अगर 14 को करें तो इमाम जमान से मंसूब होकर रूहों के साथ बरकतें भी आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने का दौर है, न जाने कहाँ कहाँ से ये चीज़ें हमारी शरीयत में दाखिल हो गए। एक सलावात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद।